तो आज की हमारी क्लास में बात कर रहे हैं पावर बीआई डेटा कनेक्टिविटी के बारे में, और हमारे साथ मिस्टर यान जी हैं। तो यान जी, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आप एक्सेल में इस पावर बीआई में खुद से डेटा कैसे टाइप करेंगे, इसको एंटर डेटा मेथड कहते हैं, और किस तरीके से आप जो है कॉपी पेस्ट करेंगे डेटा। आज हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी के बारे में कि कैसे डेटा कनेक्ट करेंगे नॉर्मल चीज़ों से। तो पावर बी हमने ओपन किया है, आप यहाँ से भी गेट डेटा पे जा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ और गेट डेटा में यहाँ मोड पे आता हूँ। मोड के ऊपर कैटेगरी वाइज डेटा कनेक्टिविटीज है, कैसे डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार समझा देता हूँ कि क्या है डेटा कनेक्टिविटीज। और मैं आपको हर तरह के जितने भी दिख रहा है आपको सारे कनेक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। आई थिंक इसको मैं समझा चुका हूँ आपको ना सर? हाँ सर, पहले समझा चुके हैं। ठीक, तो हम यहाँ फाइल के ऊपर आते हैं। फाइल में तो किसी पर्टिकुलर फाइल की बात हो रही है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि वर्कबुक से, मतलब एक एक्सेल फाइल से डेटा को ले रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा जब भी इंपोर्ट करें तो एक बार डेटा को चेक जरूर कर लीजिएगा, एक्सेल फाइल के डेटा को। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब पावर बीआई में डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो फालतू के ब्लैंक रो जो स्टार्टिंग में होते हैं वो नहीं होने चाहिए, मतलब कि आपका फर्स्ट रो हेडिंग होना चाहिए, उसके बाद फालतू के कॉलम्स में टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है सर? ओके सर। अगर इस तरह फालतू के रो में टाइप है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हम डेटा पे आते हैं तो यहाँ बहुत सारे फालतू के रो आपके पास हो सकते हैं, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग से हमारा होना चाहिए यहाँ पे डेटा। अगर मान लीजिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ ऊपर में आपको जो डेटा आता है, डेटा के ऊपर में हेडिंग्स वगैरह होते हैं, डेट्स वगैरह होते हैं ना जी, तो उस केस में आपका, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पहला रो हेडर नहीं होगा, पहले रो पे कुछ और चीजें हो सकती है, जैसे कि हेडिंग हो सकती है, जैसे कि टाइटल हो सकते हैं, माफ कीजिएगा हेडिंग तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, टाइटल हो सकती है, डेट्स हो सकते हैं कि किस दिन का रिपोर्ट है। जब डेटा हम लोग डाउनलोड करते हैं कभी कभी तो ऐसा फॉर्मेट भी मिलता है। कहने का मतलब है कि आपका जो डेटा स्टार्ट है चौथे पांचवें छठे रो से स्टार्ट है, तो उस केस में डेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है तो डेटा को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, टेबल में। तो पावर बीआई जो है टेबल को भी रीड कर लेता है और आपका डेटा को भी रीड कर लेता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे डेटा वन को सिलेक्ट करके ओपन कर रहा हूं। यहां हमने देखिए, यहां पे दिख रहा है टेबल को रीड कर लिया और सीट को भी रीड कर लिया, दिख रहा है सर? तो टेबल, अगर आपका डेटा टेबल में क्या है अगर आपके पास, तो क्या करेगा, और टेबल को रीड कर लेता है और उसका एक अलग आपको दिखा देता है। तो ये बेनिफिट हो सकता है कब, जब आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हुए और मल्टीपल चीजें हैं, अलग अलग रो में डेटा है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके सर। अब मैं इसको क्लिक, जब तक चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब यहाँ पे एक लोड है, एक ट्रांसफॉर्म है। तुम्हें बताया था ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कब करते हैं, जब डेटा के अंदर कुछ गलतियां पाते हैं उसको सही करना, मान कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है या डेटा सही फॉर्म में नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म करके क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं दूसरे डेटा में और वहां से इस पे पावर क्वेरी पे ले जाते हैं और वहां से इसको हम इम्पोर्ट एडिट करते हैं। लेकिन फिलहाल डेटा मेरा ठीक है तो लोड करते हैं। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे एक दिक्कत और भी आती है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक्सेल फाइल की ही बात करते हैं तो मेरा डेटा टुकड़ों में है, मान लीजिए फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक ही सीट पे है, नेम जैन फैम आप इस तरह से हमें ले लिया।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने डेटा, एक डेटा हो गया, मान लीजिए ये हमारा दिल्ली का डेटा है, क्या हो रहा है कीबोर्ड में, दिल्ली, और ये हमारा है पुणे, ठीक है, ओके सर। दिल्ली का डेटा है और पुणे का डेटा है, या नोएडा कर देता हूँ, नोएडा का डेटा है, और इसको फाइल को सेव कर लेते हैं एक लोकेशन में। टी डेटा के नाम से और सेव करके इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे कि मुझे जब डेटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टी डेटा ले लिया एंड ओपन। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे दोनों डेटा कंबाइंड चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने, आपके पास जो डेटा आया दो फाइलों में या फिर दो शीट में डेटा आया, लेकिन आपको जब रिपोर्ट बनानी है दोनों को इकट्ठा बनाना है। जैसे मेरे पास दिल्ली और नोएडा का डेटा अलग अलग शीट पे आया हुआ है, ठीक है सर। अब मुझे इसको एक शीट पे चाहिए क्योंकि पूजा का टोटल दिल्ली और एनसीआर का रिपोर्ट बना रहे हैं, तो अगर हम पूजा का टोटल करेंगे तो पूजा का टोटल दिल्ली का भी चाहिए और नोएडा का भी चाहिए, दोनों को इकट्ठा दिखाना है, मतलब ये दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो आप एक साथ दो शीट को लॉगिन कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं अगर यहाँ पे फिलहाल लोड कर दूँ तो यहाँ पे दो अलग अलग शीट आ जाएंगे, दो अलग अलग शीट आ जाएंगे तो टोटल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर उसके लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करने पड़ेंगे और वो ऑटोमेशन नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों कंबाइन हो जाए, तो इस केस में हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर। ट्रांसफॉर्म डेटा में आप जब आएंगे तो यहां आपके साथ मर्ज, यहां पे अपेंड क्वेरी दिख रहा है। मर्ज क्वेरी मतलब कि मर्ज क्वेरी कब इस्तेमाल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो टेबल है, ठीक है ना, वो टेबल एक टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन डली है, दूसरे टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन डली है, तो वी लुकअप टाइप से आपको दोनों का डेटा लुकअप करना है, तब हम मर्ज क्वेरी को लेते हैं। फिलहाल मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो अपेंड क्वेरी, तो अपेंड क्वेरी में यहाँ इस पर क्लिक कर दोगे तो नोएडा के अंदर ही दिल्ली डेटा मर्ज करेगा, नहीं मुझे एक अलग चाहिए, तो अपेंड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने बोला कि टू मोर देन टू एंड थ्री टेबल में आप यहाँ पे सीक्वेंस ले लीजिए कि नोएडा फिर दिल्ली, या दिल्ली एंड नोएडा, अपने हिसाब से यहाँ से स्वैप भी कर सकते हैं। देन ओके, यहाँ देखिए अपेंड वन आ गया, अपेंड वन को आप यहां से रिनेम कर लें दिल्ली एंड दिल्ली एंड एनसी, ये प्रॉब्लम क्या रहा है, एनसी, ठीक है ओके, तो हमने नाम चेंज कर दिया। अब मुझे फिर यहाँ पे जो है इसको लोड करवाना है, तो यहाँ पे आप लो, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई दिख रहा है ना सर, क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तीनों डेटा आया हुआ है, एक मिनट हैंग हो रहा है, तो मुझे तो दिल्ली और नोएडा चाहिए ही नहीं, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर सकता हूं, दिल्ली, या अनहाइड भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से डिलीट फॉर मॉडल, या फिर वहीं पे ओके नहीं, अगर डिलीट करते तो दिक्कत हो जाएगी फिर, एक बार मैं फिर वापस जाता हूँ होम और यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे,
सर इसको यहाँ से डिलीट कर दिया सर। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना सर, ये एनसीआर के साथ लिंक है ना, इसलिए रखना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है सर। ओके ठीक, तो ये आपका दिल्ली और एनसीआर का डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी दोनों डेटा को यहाँ से हाइड कर दो ताकि वो दिखेगा नहीं, हाइड रहेगा, ठीक है। इसका सर डिलीट का क्या बोलते हैं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें, इसी वजह से शायद लिंक है। नहीं 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 समझे, अगर मैं इसको डिलीट, यहाँ डिलीट का ऑप्शन तो आ रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना सर, तो क्योंकि एनसीआर डेटा इसका अपने पास कुछ, दिल्ली और एनसीआर का जो टेबल है जो मर्ज है हमारा, इसका कोई अपना कुछ थोड़ी है, तो दोनों टेबल को दिखा रहा है ना। अब इसका ओरिजिन भी अगर डिलीट हो जाएगा तो डेस्टिनेशन ऑल्सो डिलीट हो जाएगा ना सर, जी जी जी, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम आपस में डेटा को मर्ज करके लाते हैं, समझ में आ गया आपको ये? जी सर। तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं होगी तो पूछ लूंगा। हाँ, तो इस तरह से डेटा को हम यहाँ से लिंक करते हैं, जिससे डेटा हमारा आपस में यहाँ पे आ जाता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करके कुछ बना के लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसको थोड़ा सा धीरे पढ़ना है। जी जी ठीक है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।